एजेंडा मैंने एक तरह से जो सीट सेलिंग का फर्ज लगा हुआ कि वन टू वन हम लोग सीट सेलिंग स्टेट लेवल पर करेंगे, ये प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है। आज की मीटिंग का सार ये है कि पूरे देश में जो मोदी सरकार ने कुशासन का राज चला रखा है वह राज हमेशा के लिए खत्म कर देना है और गरीब लोग, कमजोर लोग, किसानों, मजदूरों और जिनकी कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे सभी शोषित वंचित लोगों की एक सरकार लाने का संकल्प लिया गया। इस आशय से इंडिया का इंडिया मीट, इंडिया अलायंस की मीट आज कंप्लीट हुई है। आज हम लोगों ने एजेंडा घोषित कर दी है। हमने भी बताया कि सीट शेयरिंग के लिए एक कमेटी तय की गई है और वो लोग धीरे धीरे सीटों का असेसमेंट करते हुए, सीटों का मूल्यांकन करते हुए कौन सी पार्टी कहां पर ज्यादा मजबूत हो सकती है इस आधार पर एक ऐसा फार्मूला तय करेंगे जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। महीने में हर महीने एक मीटिंग हो रही है ना, तो मेरे ख्याल से अगली मीटिंग होगी अगले महीने, थोड़ा अगले महीने त्यौहार वार ज्यादा है तो उसके आगे पीछे, लेकिन चिंता मत करिए अगली मीटिंग जल्दी हो इसकी ज्यादा चिंता हमारी है। ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।